फ्रेंड्स, आपको पता है मैं जब पीवीसी पाइप, एमडीएफ बोर्ड, लकड़ी का कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ तो उसे कट करना पड़ता है स्क्वायर में, राउंड में और किसी भी शेप में। तो उसे कट करने के लिए हम यूज करते हैं कोई भी कैंची या फिर कोई भी आरी के मदद से हम कट करते हैं, तो वो बहुत ही मुश्किल भरा काम होता है। तो इसी मुश्किलों को आसान करते हुए मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक शॉ कटिंग मशीन। इससे आप कोई भी चीज कट कर सकते हो, पीवीसी पाइप, लकड़ी का कोई भी चीज और एमडीएफ बोर्ड को भी कट कर सकते हो। इसे कोई भी शेप में आप कट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं इसे कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ जुगाड़ू, आप देख रहे हैं जुगाड़ू जी। तो चलिए बनाते हैं। फ्रेंड्स, पहले यहाँ पर कुछ लकड़ी का टुकड़ा ले लेंगे। इसका माप है 19 सेंटीमीटर और इसका माप है 15 सेंटीमीटर और दो पीस छोटा टुकड़ा ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसको ऐसे लगाना है और इसे ऐसे और यहाँ पर इसको और ऊपर के साइड में एक और ऐसे लगाना है। तो चलिए इसको होल्ड करके स्क्रू के मदद से इसको जोड़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर दोनों साइड में कट कर लिया हूँ। ये उतना ही कट करे जितना ये आप छोटा टुकड़ा लकड़ी का यूज़ कर रहे हो। ये अच्छे से यहाँ पर इसके अंदर मूव कर सके, इतना ही आपको कट करना है। अब इसे फिक्स करने के लिए यहाँ पर पीवीसी की पाइप का शीट यहाँ पर स्क्रू के मदद से चिपका लेंगे। देखिए इस तरह, देखिए बहुत ही स्मूथ मूव हो रहा है। अब फ्रेंड्स, हम लेंगे एक शॉर्प ब्लेड। इसको यहाँ पर लगाना है। इसको यहाँ पर लगाने के लिए वो छोटा लकड़ी का टुकड़ा में दो कट कर लगा के इसको ऐसे यहाँ पर फिक्स कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए ऊपर और एक लकड़ी से एल टाइप का बना लिया हूँ। अब यहाँ पर साइकिल का स्पोक लेंगे, उसे कट कर लेंगे। और यहाँ पर होल्ड करके इसको लगा देंगे। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा के इसको यहाँ पर ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह बनेगा, ऐसे मूव करेगा। आपको भी ऐसे ही बनाना है। अब फ्रेंड्स, हम लेंगे एक 775 डीसी मोटर। इसका आरपीएम और टॉर्क बहुत ही हाई है। आपको अगर नहीं पता कि इसका आरपीएम और टॉर्क कैसे बढ़ाना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हो। अब फ्रेंड्स, इसको यहां पर फिक्स कर देंगे टिन की शीट की मदद से। देखिए कुछ इस तरह। अब एमडीएफ बोर्ड का ऐसा एक पीस लेंगे, उसे मोटर में लगा देंगे।
देखिए फ्रेंड्स, एक स्टील का तार को बेंड करके मैं यहाँ पर कुछ इस तरह लगा दिया हूँ। अब फ्रेंड्स, एक MDF बोर्ड का टुकड़ा लेंगे और यहाँ पर फिक्स कर देंगे स्क्रू के मदद से। देखिए कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, अब कनेक्शन कर देते हैं। इसका बहुत ही आसान है कनेक्शन करना। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो गया हमारा स्क्रोल शॉ मशीन। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। देखिए PVC शीट को कितने आसानी से ये कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।